हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम टू आवर सुमाकाना ब्लॉग्स। तो चलिए, आज हम बालों के लिए एक हेना तैयार कर रहा, तो उसके लिए वो आप लोग के साथ शेयर करते। पहले हम चाय और कॉफ़ी को अच्छे से उबाल लिए, उसका पानी से इसको घोलेंगे। यहाँ पे ले लिए एक नुपुर मेहंदी और थोड़ा सा दही, मतलब दही का पूरा पैकेट ले लिया, लेकिन इसमें से हम 2 ही चम्मच देंगे, ज़्यादा नहीं, और एक अंडा। तो चलिए आगे का प्रोसेस रेडी करते हैं। यहाँ पे हम पाउडर थोड़ा डाल लिया, नुपुर मेहंदी का जो पाउडर होता है। उसके बाद 1 चम्मच 2 चम्मच दही डाला और डाल दिया एक अंडा। तो अंडा और दही ऐसे ही नहीं घोलेगा, उसके लिए हमको पानी भी डालना पड़ेगा। तो एक हद से हम मतलब वीडियो कर रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम जो कॉफ़ी और चाय उबल के रखा था, उसका पानी हम यहाँ पे दे दिया था। थोड़ा बहुत और पानी मेरे को ऐड करना हुआ। तो उसके बाद इसको अच्छा से इस मिक्सर को अच्छा से घोल लेंगे। घोल के सारा नाइट रात के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद कल करेंगे अप्लाई। तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे बाबू रो रहा था, तो जल्दी हम उसको ज़्यादा अच्छे से मिक्स भी नहीं कर पा रहे तो रख दिया। तो सुबह ऑलरेडी खुद से मिक्स हो जाएगा। तो 10 बजे हम लोग अभी सोएंगे, तो हम रात भर के लिए वो वाला छोड़ देंगे। हम वो वाला मिला के रख दिया, तो कल सुबह अप्लाई करेंगे। और हम हर बार मतलब 15 दिन छोड़ छोड़ के ये वाला अप्लाई करते हैं, मेरा लंबा घना बाल के लिए। तो आप लोग को भी मेरा ये ट्रिक्स फॉलो करना है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और ऐसे ही बाल रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो है ऐसे। तो यहाँ पे मेरा सुबह वाला देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ, वो मतलब कॉफ़ी पाउडर और चाय पत्ती को एक साथ उबाल के जो कलर आया था, मतलब वो जो पानी डाला था उस पानी का इतना अच्छा कलर आया। तो इसको मेरा हाथ मतलब हाथ से मैंने बाल में लगाया था, तो हाथ भी बहुत ज़्यादा कलर हो गया था, बाल भी में भी ऐसा रेड थोड़ा सा साइन भी आया। तो मस्त हुआ मेरा मतलब जो है ना। तो आगे का प्रोसेस दिखा देंगे आप लोग को, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सुबह का जितना काम धाम, मतलब सुबह थोड़ा एक बार नहा के अपना जो काम धाम होता है वो सब ख़त्म करके रखा है। लड्डू को दिखा रहा है कि डार्क चॉकलेट है खा लो। लड्डू बोलते हैं नहीं, बोलता है मतलब वो ऐसा कर रहा है कि ये गोड़ू का टट्टी है। तो चलिए यहाँ पे मेरा लड्डू का कितना सा जुड़ा बना दिया, दिखा दिया आप लोग को। तो यहाँ पे हमें चापाती और कॉफी पाउडर पे एक साथ में उबाला, उबल हुआ पानी को छान के इसमें मिलाया एक अंडा और थोड़ा सा खट्टा वाला दही, मतलब टॉक दही हम लोग देखने बोलते हैं, वो दही मिलाया। ये सारा रात को छोड़ दिया था ऐसे ही, तो ये फूल गया थोड़ा सा, एक अच्छा वाला मिक्सर आ गया, थोड़ा रेड रेड कलर भी आ गया। तो ये वाला अभी अप्लाई करेंगे, 1 घंटे जैसे रखेंगे, रखिए हम वो देखेंगे। मेरा वाला आप देख ही सकता, ये हम मतलब हर 15 दिन छोड़ छोड़ के लगाते हैं, तो अभी अप्लाई कर लेंगे। करने के बाद धो के शैम्पू लगा के अपने से दिखाएंगे कैसा रहेगा। चलिए अप्लाई, मेरे बालों में थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा लग गया था, वो हम लड्डू को पापा को लगा दिया, तो उनका बाल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अकेला ऐसे करके किया, मतलब इतना बड़ा लॉन्ग ध्यान में ना अकेला होता नहीं है, तो जैसे हुआ खुद से किया ऐसे करके रख देंगे 1 घंटा। मेरा हाथ देखिए किस कैसे कलर हुआ, बाल भी वैसे होगा, क्योंकि इसमें हम चापाती और कॉफ़ी पाउडर ऐड किए थे, इसीलिए ऐसा हुआ, वो उबाल के ऐड किए थे, तो ऐसा हुआ शायद मेरे बाल भी ऐसा कलर दें। कलर नहीं होगा भी तो ये बालों का एक तरीके का खाना है, मतलब कि अगर जड़ कर जाएगा तो बाल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, सिल्क होता है, और दही और अंडा दिया तो ये बहुत सिल्क होगा। तो चलिए 1 घंटा बाद हम शैम्पू करके मिलेंगे आप लोग से, दिखाएंगे बालों का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम डाब का कंडीशनर ले लिया, 2 पत्ता मेरा लग जाता है, बहुत लॉन्ग यार है। तो यहाँ पे मेरा रेडी उसका शैम्पू ले लिया, केस्किन शैम्पू यूज़ करते हैं हम। मेरा बाल देख रहा पूरा सूख गया, पूरा सूख गया, पापड़ हो गया। चलिए अभी हम कर लेंगे शैम्पू, उसके बाद मिलते आप लोग से दिखाएंगे मेरा बालों का कमाल कमाल का ट्रिक। तो अभी हम नहा लेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते। आप लोग को भी अगर ये वाला ट्रिक्स अच्छा लगा तो आप लोग भी अपने बाल में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो हम आप लोग को दिखाएंगे। इसमें सीरम भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा सिल्क होगा, क्योंकि हम इसमें अंडा दिया था। तो चलिए, तो अभी हम शैम्पू कर लिया है, तो अभी हम कंघी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सिंदूर लगाने के लिए कंघी किए है। तो कैसा लग रहा देखिए, पूरा सिल्क वाला हुआ है, हमको लग रहा कि आज सीरम भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सिल्क हुआ। तो थोड़ी देर बाद हम कंघी करेंगे, क्योंकि गीला बाल में कंघी नहीं किया जाता है, तो सिंदूर लगाने के लिए किया था। तो अभी कैसा लग रहा तो कंघी करने के बाद भी आप लोग को थोड़ा शेयर करेंगे, तो अभी कंघी नहीं करेंगे।
तो आप लोग भी मेरे जैसा बाल करने के लिए ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम हर 15 दिन बाद बाद ये वाला अप्लाई करते हैं, तो हम थोड़ा बाल सूख जाएगा उसके बाद ही आगे करेंगे। आज कोई भी सीरम नहीं लगा के देखेंगे, क्योंकि इतना सिल्क हमको लग रहा है कि सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं। और थोड़ा बहुत मतलब रेड हल्का सा कॉफ़ी वाला कलर आया है, धूप में दिख रहा है। चलिए आज का ब्लॉग देख के कैसा लगा वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और मेरा साथ में बना रही है मेरा चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम हो गए रेडी, अभी थोड़ा काम के लिए थोड़ा देर के लिए मतलब मार्केट जाना होगा। हाँ थोड़ा बहुत मेरा बाल भी सूख जाएगा, ऐसा खुला ही जाएंगे तो देखिए कितना लॉन्ग हेयर मेरा और बहुत अच्छे से सिल्क हुआ। तो हम अभी तक कंघी नहीं की, थोड़ा बहुत मतलब है जट्ठा, तो हम कंघी नहीं की। शैम्पू करने से ऐसे होता ही है, तो कंघी करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा होगा हमको पता ही है। तो हम मतलब अभी थोड़ा काम के लिए जा रहे, तो आप लोग को ऐसा शेयर कर दे रहा कि कैसा हुआ मेरा बाल। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जनाइएगा, मेरे को बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट करने ना भूले। अगर मेरा बात से कोई प्रॉब्लम है आधा अधूरा हिंदी से, तो सबसे माफ़ी मांगते हैं। तो मेरा ब्लॉग में बना रही है, मेरा चैनल बना रही है, बहुत सारा आशीर्वाद कीजिए, दुआ कीजिए कि हम बहुत आगे बढ़ें। बाय बाय।